नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो है दोस्तों जर्मनी के सहयोग से की गई। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल की स्थापना कब की गई? तो 1974 ईस्वी में की गई थी सेल की स्थापना। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो आए दोस्तों किस उद्योग में? तो आए कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्य करते हैं। कटनी में स्थित है, तो कटनी में स्थित है दोस्तों सीमेंट कारखाना। ठीक है दोस्तों, सीमेंट कारखाने के लिए कटनी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? तो नेपा नगर दोस्तों अखबारी कागज के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्याओं में महिलाएं कार्यरत हैं? तो दोस्तों किस उद्योग में? तो सबसे ज़्यादा चाय के उद्योग में महिलाएं कार्यरत हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार राज्य में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है? तो जामनगर में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पाया जाता है? जामनगर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है? तो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है बरेली। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-7। ठीक है दोस्तों, देश में लंबाई के दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-47A। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो मनाली लेह। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दोस्तों NH-1 निम्न में से किन 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 नगरों के मध्य है? तो वह दिल्ली और कोलकाता के मध्य सॉरी दिल्ली और अमृतसर के मध्य है। तो NH-1 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है? तो देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 660 किलोमीटर की है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 660 किलोमीटर की। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो 1881 ईस्वी से क्रमवार मतलब लगातार जनगणनाएं की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, 1881 से 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? तो आ थी दोस्तों 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जनसंख्या
आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, वह सिक्किम, जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है दोस्तों दिल्ली। कौन सा है दोस्तों? दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो वह है दोस्तों हरियाणा। सबसे बिगड़ा हुआ लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है, तो आया दोस्तों गोवा। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है, तो आया दोस्तों बिहार। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।